देखो मोल कॉन्सेप्ट के कुछ पार्ट ऐसे होंगे, मोल कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं राइट ना। सो मोल कॉन्सेप्ट में कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आपने बेसिक्स वाले पार्ट में पढ़े, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, वो सारा पार्ट हमको अभी यूज करना पड़ेगा। वहां पर जैसे हमने पढ़ा था कि भाई अगर हमारे पास जैसे गिवन होता है, तो हमने ऐसे पढ़ा था कि भाई मोल्स हैज नो यूनिट, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स अपन फिर से लिख सकते हैं। मोल्स हैज नो यूनिट, ठीक है, अब इसे नंबर ऑफ मोल से डिनोट करेंगे, तो इसका नंबर, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, इट्स अ नंबर, इट्स अ नंबर। और वो अपन को पता है कि भाई नंबर कैसे लिखते हैं, दैट इज 6.023, दैट इज वन मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10^23 होता है, ये एक नंबर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन लिखते हैं एज वी से, एज वी से वन डजन इज इक्वल टू 12 होता है, वैसे ही वन मोल 6.023 इंटू 10^23 होता है। दूसरा पॉइंट जो मेरे पता होना चाहिए वो है कि देखो भाई अगर हम एटॉमिक मास की बात करें है ना, तो एटॉमिक मास में हम सबको पता है मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम इन ग्राम्स, तो ग्राम एटॉमिक मास होगा। तो जैसे अपन लिखेंगे एग्जाम्पल के लिए है ना, एग्जाम्पल के लिए दैट इज सोडियम का मास लिखते हैं, तो मास ऑफ वन मोल ऑफ सोडियम एटम है इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ये अपन ने लिखा था। तो अपन लिख सकते हैं मास ऑफ वन मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 grams, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम है ना, वन एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 amu, ये होता है। बिल्कुल वैसे ही अपन लिखेंगे मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 grams, तो मास ऑफ वन मोल है, अपन 12 ग्राम ले लेते हैं, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 भी है। तो हमें एक बार पता चल गया कि भाई अगर एएमयू में लिखेंगे तो वन एटम का मास होता है, मतलब वन यूनिट का मास होता है, और अगर मोल्स में लिखेंगे तो वो इतने एटम का मास होता है, मतलब अगर हम वन डजन का मास ये होता है तो वन का मास कितना होगा एएमयू में लिखोगे तो बता देंगे। जैसे अज्यूम कर लेते हैं कि वन डजन बनाना का मास 23 grams है, तो एक का मास कितना होगा, तो कहेंगे भाई 23 को एएमयू में लिख दो तो एक का मास हो, बाकी वो इंटर कन्वर्ट अपन करते रहे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही अपन ने लिखा था कि भाई ऐसे ही मॉलिकुलर मास होता है, क्या होता है मॉलिकुलर मास होता है, सो मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा, अभी जैसे एटम था अब अपन मॉलिक्यूल लिखेंगे, सो मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इसको अपन कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, तो अपन जैसे वन मोल ऑफ एटम अपन ने लिखा था वैसे ही अपन मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। तो जैसे मास अपन लिखेंगे एग्जाम्पल के लिए, तो मास ऑफ वन मोल ऑफ H2O, H2O इज अ मॉलिक्यूल नाउ है, तो इसको अपन लिखेंगे 18 ग्राम, कैसे लिखते हैं अपन एटॉमिक मासेस को यूज करके, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O है ना, तो ये तो ग्राम्स होगा, तो ये 18 amu हो जाएगा। अब इट डजंट मैटर कि भाई कौन सा मॉलिक्यूल आप लिख रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो मास ऑफ वन मोल ऑफ H2SO4,
तो अपन कहेंगे भाई इसमें दो हाइड्रोजन का मास ले लो, एक सल्फर का मास ले लो और फोर ऑक्सीजन एटम का मास ले लो, विल गेट 98 ग्राम्स। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अगर लिखना है अपन को तो अपन कहेंगे इट विल बी 98 ईए। ये अपन को पता है, ये पार्ट अपन पढ़ते हैं और इसको हमें वहां पर डिस्कस करना होता है। फिर अपन ने लिखा कि भाई देखो अगर मान लो मेरे पास गिवन है ऐसे कि इसमें अपन ऐसे बता सकते हैं दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। तो अपन ने लिखा था भाई एवरेज एटॉमिक मास लेना है तो उसके लिए आपको लिखना होगा इंडिविजुअल एटम के एटॉमिक मासेस इनटू मोल फ्रैक्शंस। तो अपन ने लिखा था a1 x1 plus a2 x2, where a1 and a2 are the atomic masses of the isotopes and x1 x2 are the mole fractions. So we'll write that. अगर किसी में और भी मतलब कोई अगर गिवन है अपन को कि और भी मतलब उसके आइसोटोप दो से ज्यादा है तो अपन उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अपन लिखेंगे वेर A1, A2 are atomic masses of isotopes and X1 and X2 are mole fractions. क्या लिखेंगे अपन उन्हें? Mole fractions लिखेंगे, are mole fractions. ठीक है, तो ये एवरेज एटॉमिक मास हमने लिखा था और मोल फ्रैक्शन को परसेंटेज फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं अगर परसेंटेज में गिवन है। जैसे कोई अपन को गिवन है कि भाई एक एटम एक आइसोटोप 20% है तो विल रीड दिस इज 20/100, दूसरा 80% है तो विल रीड 80/100, राइट, वी कैन राइट लाइक दैट। फिर इसमें जो हमको जरूरत पड़ेगा ये पार्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, नो डाउट, ये तो एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये सारा पार्ट हमने डिस्कस कर रहा है। अभी हम लिख सकते हैं दैट इज नेक्स्ट वी कैन राइट द पॉइंट इज, फिर अगर हम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी, तो गैसेस के लिए भी रही वेपर डेंसिटी। सो फॉर गैसेस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय ये वेपर डेंसिटी राइट। और इसको हम बाद में मतलब जो PV=mRT होता है उससे कैलकुलेट भी कर सकते, ठीक है, बट अभी के लिए अपन याद रख लेते हैं वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू दिस मच फॉर सॉलिड्स। सॉलिड्स के लिए अपन क्या करेंगे, दे विल हैव अ एब्सोल्यूट डेंसिटी, वेरी एब्सोल्यूट डेंसिटी density. तो absolute density में we used to write that is weight in grams, we can write that mass upon volume. जो भी हमें mass given होगा that can be in weight in gram like that. वो unit हम वैसे लिख लेंगे भाई, अगर ये grams में है तो mass upon volume, तो अगर या तो CGS लिखोगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब में ले लूंगा और मास को ग्राम में ले लूंगा तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो वॉल्यूम हमें सॉलिड जैसे ये है तो हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ले लेंगे और इसका मास ले लेंगे, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है ना, तो वो डेंसिटी होता है। फॉर लिक्विड्स और सॉल्यूशंस है ना, we calculate relative density. So relative density होता है भाई बोलता हूँ. So what is relative? We know that relative is nothing but a ratio. मतलब किसी के respect में calculate करना. So we write the relative density. Relative density.
ठीक है ना, रिलेटिव डेंसिटी होगा, दैट इज द एब्सोल्यूट डेंसिटी डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट डेंसिटी, दैट इज ऑफ द सॉलिड राइट ना, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ प्योर लिक्विड, जो भी प्योर लिक्विड अपन जिसमें सॉल्यूशन बना रहे हैं वो डेंसिटी ऑफ द प्योर लिक्विड ले सकते हैं, डेंसिटी ऑफ प्योर लिक्विड। और जनरली अपन जो लिक्विड लेंगे ना वो वाटर ही होगा, और वाटर का डेंसिटी अपन लेते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फॉर H2O इट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो अगर H2 के लिए अगर वाटर सॉल्वेंट है, और जनरली हम वाटर ही सॉल्वेंट लेते हैं, तो अगर वाटर सॉल्वेंट है तो रिलेटिव डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी में हमारे लिए कोई डिफरेंस नहीं, ये भी डेंसिटी ये भी डेंसिटी, तब तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट हो गई, ऑब्वियसली बात है नहीं होना चाहिए, रेशियो का ही कोई यूनिट नहीं होता राइट ना, रेशियो का कभी कोई यूनिट नहीं हो सकता। तो विल से दैट ठीक है, तो विल राइट दैट ठीक है, तो ये भी यूनिटलेस वेपर डेंसिटी, इसके लिए पर लिखते हैं हैज नो यूनिट, नो यूनिट, क्योंकि ये भी रेशियो होता है, डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ, जो वेपर डेंसिटी होता है ना, दैट इज डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। और किसी भी गैस के डेंसिटी को अगर हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में लिखोगे ना तो इट विल बिकम वेपर डेंसिटी। तभी तो अपन ने उसको ऐसे लिखा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है ये, इसलिए मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा गैसेस पे राइट। वैसे भी वी इक्वल टू एनआरटी अपन को पता है, अपन देख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ठीक है ना। तो मैं बस नंबर ऑफ इक्वेशंस इंक्रीज नहीं करना चाहता, कि अपन ज्यादा फोकस वहां करते हैं जो अपने लिए जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद जो मुझे चाहिए होगा, मतलब पहले अपन सारा पार्ट कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई मूल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए, तो फिर पढ़ने में हो जाए राइट। डेंसिटी के बाद वी कैन राइट दैट, दैट इज अब हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स अब अपन चेक करें, व्हाट आर द वेज वी हैव रिटन टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। चलो अपन ये देखते हैं कि हमने कितने टाइप से नंबर ऑफ मोल्स को लिखा राइट। एक तो अपन ने लिखा नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू, मैं नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट करूंगा, सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू वेट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोल्स का वेट। और अगर एटम के मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो एटॉमिक वेट से कैलकुलेट, एक तो ये कैलकुलेट किया। दूसरा अपन ने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज एन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, लेकिन डिवाइडेड बाय 6.023 इनटू 10^20, ठीक है। एक ये कैलकुलेट किया था मैंने राइट। थर्ड अपन ने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन के लिए, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर्स एट STP, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, 1 mole ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज 22.4 liter ऑफ वॉल्यूम एट STP इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइडेड बाय, बट दैट वॉल्यूम शुड बी गिवन एट STP डिवाइडेड बाय 22.4। फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट ऐसे भी किया, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू PV अपॉन RT, बट दिस इज फॉर गैसेस, दीज टू आर फॉर गैसेस, सो दिस इज फॉर गैस, दिस इज ऑल्सो फॉर गैसेस, बट वेट इन ग्राम हम सॉलिड के लिए भी लिख सकते हैं, और लिक्विड होगा तो फिर हमको
पहले कन्वर्ट करना होगा उसको वेट में, कि अगर मुझे लिक्विड का वॉल्यूम गिवन है तो मैं वॉल्यूम से क्या कर सकता हूँ, लिक्विड के वॉल्यूम से लिक्विड का डेंसिटी देना पड़ेगा। मैं लिक्विड के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लूंगा, आई विल गेट द मास ऑफ लिक्विड। आपको वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों देना पड़ेगा, और मास ऑफ लिक्विड आएगा तो उसके जो भी लिक्विड दोगे आप, वाटर लिक्विड है तो ठीक है, वाटर का डेंसिटी हमें पता है, वॉल्यूम आप दे दो, मल्टीप्लाई करके उसका वेट आ जाएगा, वेट आया मैं नंबर ऑफ मोल्स कर। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है इट इज लाइक अ डजन, वन डजन जितना होता है वैसे बिल्कुल वैसे मोल्स, मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए मैंने सब में रेशियो लिखा, ये ग्राम में होगा ये भी ग्राम, ये नंबर है मॉलिक्यूल के, ये भी नंबर है, नो यूनिट। ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम 22.4 लीटर एट एसटीपी होता है, ये भी लीटर्स में तो ये भी लीटर्स में होता है। अगर इसको एमएल में लिखोगे, एमएल में लिखोगे, मैं इसको 22400, इसको भी एमएल में कन्वर्ट कर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज, अगर सभी के वन मोल है तो अपन कहेंगे अच्छा ये दोनों इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने इसके बराबर दिया, वन मोल का मतलब हो गया 12 यूनिट्स जैसे डजन में होगा। अच्छा आप वन डजन की बात कर रहे हो, वन डजन का मतलब है अगर ये 12 है तो ये भी 12 है, वन डजन हो गया, वन डजन इज इक्वल टू 12 ना। यहां पर अपन कहेंगे अच्छा अच्छा वेट इन ग्राम आपने मॉलिक्यूलर मास के बराबर दिया है। मेनली जो यूज करेंगे अपन को ये यूज, ये फिजिकल डायनेटिक हम कम यूज करेंगे उसके लिए, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन होगा, टेम्परेचर गिवन होगा, प्रेशर गिवन होगा, आर का वैल्यू अपन को पता है, लास्ट टाइम अपने पढ़ा था क्या लेते हैं, अगर एटमॉस्फेयर लीटर केल्विन तो फिर वन मीटर। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फ्रॉम दिस आई कैन राइट दैट देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू, क्योंकि जैसे अगर सभी के वन मोल है तो वन डजन होगा सभी का, वन मोल मतलब जैसे वन डजन होता है, वैसे अगर मैं कहूंगा सभी का वन डजन है तो तुम कहोगे अच्छा अच्छा एन का वैल्यू 12 है, ठीक है, और सभी का वन मोल है इसका मतलब एन का वैल्यू सबका एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, तो ठीक है, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं वेट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूल, और इसको मैं इक्वेट कर सकता हूं क्योंकि ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है और ये भी n है, इसको मैं इक्वेट कर लेता हूं इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10^5। दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर्स, लेकिन ये एसटीपी पे होना चाहिए, डिवाइड बाय 20, मतलब मैं नंबर ऑफ मोल्स को, क्योंकि इनका कोई यूनिट नहीं होता ना, देवला नंबर्स, अगर ये दोनों इक्वल है तो वन मोल हो गया, ये दोनों इक्वल है तो भी वन मोल हो गया, ये दोनों इक्वल है तो भी वन मोल हो गया, ये लिख सकते ऐसे बता सकते। अभी तुम एक बात देखो, किसी का भी मॉलिक्यूलर मास आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये नंबर वैसे बताने की जरूरत नहीं, ये भी नंबर बताने की जरूरत नहीं, इसका मतलब है इन सभी इक्वेशंस में मुझे आपको डिनोमिनेटर बताने की जरूरत नहीं, बस आप ये बता दो इसके लिए कि किस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, हम अपने आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं मॉलिक्यूलर वेट अपने आप ही कैलकुलेट कर लूंगा किसी का भी, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास अपने आप कैलकुलेट कर लूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितना दे दो, इधर तो कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं, इधर बस वॉल्यूम दे दो और लिख देना वॉल्यूम देने के बाद कि वो एसटीपी पे है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो मैं अपने आप ही मोल्स कैलकुलेट कर, तो ये तो बड़ा ईजी हो गया अपने लिए भाई। आपने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स जो है, ठीक है ना, ऐसे अपन किसी अगर वेट इन ग्राम गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं, वॉल्यूम गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं, और अगर नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स गिवन है तो भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, सो वी कैन राइट दैट इन सब में
ये और ये डिनोमिनेटर्स आर कॉन्स्टेंट। तो अपन क्या कहेंगे, अगर डिनोमिनेटर कॉन्स्टेंट है इसका मतलब है कि अगर आप मुझे वेट दे दो तो मैं एक कॉन्स्टेंट से डिवाइड करूंगा, दूसरे कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, आई गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आप मुझे वेट दे दो और आप मुझसे वॉल्यूम पूछ लो तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। आपने वेट दिया और वॉल्यूम पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा, वेट दिया डिवाइड करूंगा मॉलिक्यूलर वेट से और मल्टीप्लाई करूंगा 22.4 से, आई गेट द वॉल्यूम। आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस दे दो, क्योंकि ये वाला पार्ट सिर्फ गैसेस के लिए होगा। आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस दे दो और वॉल्यूम पूछ लो, मैं बता दूं, कॉन्स्टेंट से डिवाइड करूंगा, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। इजी हो गया फिर तुम्हारे, क्योंकि केमिस्ट्री में जनरली विदाउट मोल्स कैलकुलेशंस नहीं होते, हमें मोल्स के साथ ही कैलकुलेशन करना होता। तो ठीक है, अगर मोल्स के साथ कैलकुलेशन होते हैं तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, पर मोल्स के साथ कैलकुलेशन कर लेंगे। तो एक तो ये पार्ट आपको हमेशा याद होना चाहिए, ये इक्वेशन आपको हमेशा याद होना चाहिए, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स। अब इस इक्वेशन को मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख लेता हूं, क्योंकि वो इक्वेशन अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं इसको ऐसे भी बता सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स तो करने लिखे ही, तो इसमें अपन ऐसे ना एक ऐसे बना लेते हैं। आपने कहा कि भाई नंबर ऑफ मोल्स के बगैर केमिस्ट्री में कोई कैलकुलेशन नहीं होती, तो अपन ऐसे लिखते हैं, मेरे पास मान लो ऐसे नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं, ये मोल्स। क्यों? क्योंकि इसको इसमें कन्वर्ट करना है या इसको उसमें कन्वर्ट करना है, आपको मोल्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिख रहा, अगर मेरे पास वेट इन ग्राम के बने, वेट इन ग्राम, मुझे वेट इन ग्राम के बने तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर वेट से। अगर एटम है तो एटॉमिक वेट से और मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलर वेट से, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बने तो मैं इसे कैलकुलेट कर दूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा एवोगैड्रो नंबर से, तो मैं कहूंगा भाई डिवाइड कर दो। एवोगैड्रो नंबर को अपन एनए लिखते हैं, इसको एनए जैसे लिखते हैं राइट। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अगर मुझे वॉल्यूम गिवन है तो मैं वॉल्यूम इन लीटर्स है एट STP, तो फिर अपन कहेंगे भाई ठीक है इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, डिवाइड कर दो 22.4 से। तो अगर इसको डिवाइड किया 22.4 से, तो अगर मोल्स से वापस इसमें कन्वर्ट करना है तो अगर वॉल्यूम को डिवाइड करके आप मोल्स कैलकुलेट करोगे तो मल्टीप्लाई करके आप वापस कर लेना, मल्टीप्लाई बाय 22.4। अगर आप मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके मोल्स कैलकुलेट करोगे तो अगर वापस कैलकुलेट करना है तो अगर मुझे मोल्स गिवन है और वेट चाहिए तो अपन कहेंगे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर। मतलब अगर मुझे मोल्स कैलकुलेट करना है तो डिवाइड करना है, और अगर वापस मुझे चाहिए वो मोल्स से, अगर मुझे ग्राम चाहिए तो मुझे मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही मैं इसमें लिखूंगा कि अगर आपको सपोज अपन को गिवन है क्या That is moles. और नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है तो मैं कहूंगा इससे मल्टीप्लाई कर दो, और एनए से अपन लिखेंगे भाई ठीक है, without that, कि भाई एनए से अपन को ऐसे लिख मॉलिक्यूल मोल्स को अपन ऐसे लिख राइट। अगर मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है किसी के तो नंबर ऑफ एटम कितने कैसे लिखेंगे अपन, तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम। अगर मुझे नंबर ऑफ एटम चाहिए, नंबर ऑफ एटम, अगर मुझे किसी के नंबर ऑफ एटम चाहिए
तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, लाइक दैट वी कैन राइट। तो वैसे बहुत सारा पार्ट तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मतलब तो बेसिक क्लास में अपन ने काफी सारा पार्ट पढ़ा, बट अगर फिर से अपन को कोई पता चल जाए तो और भी अच्छी बात है फिर तो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है भाई, वी गॉट इट कि भाई नंबर ऑफ मोल्स हम ऐसे भी लिखो, ऐसे भी लिखो, मैं फिर ओके। ये दोनों ही टाइप से अपने पास नंबर ऑफ मोल्स के बने। अब ठीक है, अपन इसको एक बार यूज करके देखते, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं उसका और फिर उस एग्जांपल में अपन चेक करते हैं कि अपन को क्या। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, है ना। तो एग्जांपल में अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं भाई, इसको हटा देता हूं। अभी जैसे आपने कहा कि वन मोल मतलब जैसे वन डजन होता है, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो ना मोल्स में, आप मोल्स को डजन लिख दो, कोई कंसेप्ट में डजन रखो, बस आपको यह याद रहना चाहिए कि जहां आप 12 लिख रहे हो वो आपका एवोगैड्रो नंबर है। कैलकुलेशन करते हो, बस जहां भी आप कैलकुलेशन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करोगे वहां डजन की जगह हमेशा एवोगैड्रो नंबर होना चाहिए, वो 12 होना चाहिए। जब जैसे ही 12 होगा अपन उसको हटा के एवोगैड्रो नंबर डाल के अपना कैलकुलेशन करके आंसर बताएंगे। सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। One mole of any substance, right now, occupy 6.023 into 10 to the power of 23 atoms, particles, ions, आपकी मर्जी। Because जैसे अपन कहते हैं ना, one dozen is equal to 12. तो 12 क्या, ये आपकी मर्जी, आप एटम लिखो 12, पार्टिकल लिखो 12, चेयर लिखो, बनाना लिखो, एप्पल लिखो, जो मर्जी चाहे लिखो, लेकिन होंगे 12। पर 1 डजन इज इक्वल टू 12, तो 1 मोल इज इक्वल टू दिस मच नंबर। तो सपोज अपन ने ऐसे लिखा, आई हैव 1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल मतलब आपके पास 6.023 इंटू 10 के पास 23 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। अगर मैं कहता मेरे पास 1 डजन H2SO4 मॉलिक्यूल है, तो आप क्या करते, बोलते ना 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, 1 मोल मतलब इतना मॉलिक्यूल। तो मैं कहता 1 मोल के लिए मैं उसको मास में भी लिख सकता हूं, 98 ग्राम्स of H2SO4 molecule contain, इसको मैं एवोगैड्रो नंबर लिख लेता हूं, Na के बराबर मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। उस नंबर को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एवोगैड्रो नंबर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल contain। अगर मैं नंबर ऑफ एटम बोलूंगा तो इधर मुझे लिखना है एटम्स, तो मुझे एटम लिखना है, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन कहेंगे पहले अपन ये बताओ आपकी मॉलिक्यूल कितने हैं आपके पास, तो अपन ने कहा भाई मॉलिक्यूल हमारे पास Na है, तो ठीक है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, एक H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, 3 हो गया, और 4 क्या है अपने पास, ऑक्सीजन, तो टोटल एटम कितने हो गए 7। तो अपन कहेंगे भाई जितने मॉलिक्यूल है ना आपके पास उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, तो आपके पास मॉलिक्यूल कितने हैं Na के बराबर, तो ठीक है 7 से मल्टीप्लाई करो, यू गेट द एटम्स। तो अगर मैं कहूंगा अच्छा ठीक है 1 मोल
ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, मुझे ना यहां पर लिखना है हाइड्रोजन एटम, तो ठीक है वन मोल में कितने हाइड्रोजन एटम है, तो अपन कहेंगे ये बताओ आपके पास मॉलिक्यूल कितने हैं Na, और एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, दो, तो ठीक है जितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास उसका डबल हाइड्रोजन एटम हो, लिख दो भाई Na मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स है, तो टू से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मुझसे कहा गया कि भाई इसमें ना आप ऑक्सीजन एटम बताओ कितने हैं, तो कहेंगे ऑक्सीजन एटम, ठीक है मेरे पास Na मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल में फोर ऑक्सीजन एटम है, मल्टीप्लाई कर देता हूं ऑक्सीजन एटम आ जाएगा, सल्फर एटम उतने ही होंगे क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही सल्फर एटम है, तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही सल्फर एटम होंगे, ठीक है भाई वन मोल ऑफ दिस विल कंटेन Na इनटू वन सल्फर एटम। अब सपोज मेरी मर्जी, मैं कहूंगा यार मेरे पास ना वन मोल ऑफ दिस है, अब ये वन मोल की जगह मान लो ऐसे होता मेरे पास 0.2 मोल्स ऑफ H2SO4, 0.2 मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक है तो अपन कहते हैं ठीक है अभी वन मोल ले रहे हो आप, तो इतने मॉलिक्यूल्स थे तो 0.2 में कितने होंगे मॉलिक्यूल, तो अपन कहेंगे आपने अभी बताया तो था 0.2 मोल्स में कितने होते हैं, एन इज इक्वल टू बताया तो था थोड़ी देर पहले आपने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na बताया था आपने, तो आपने कहा अगर आपके पास 0.2 होते तो ठीक है 0.2 मोल्स है तो मल्टीप्लाई करते ना Na से, तो 0.2 Na लिख लेता, अभी आप 1 Na लिख रहे हो, ठीक है भाई अगर आप 0.2 मोल्स ले रहे थे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें उसमें ही पता है कितना होता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो नंबर ऑफ मोल्स नहीं था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na कर देते। अब मान लो मैं यहां पर लिखना चाहता हूं ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अपन कहेंगे देखो भाई अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है ना तो मेरे पास Na के बराबर क्या है मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये बता दो आप, तो अपन टोटल करके जितने मॉलिक्यूल्स हैं एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मल्टीप्लाई करके बता दो, तो चलो इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, अब क्या है सल्फर, एक सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपन कहेंगे भाई एटॉमिक नंबर देख लेते हैं 16 होता है तो 16 होगी, एक ऑक्सीजन में कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर, न्यूट्रल एटम है, कितने ऑक्सीजन है अपने पास 4 ऑक्सीजन है, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है 4 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो लिख लेते हैं अपन ये 2 आ गया, ये 16 है अपने पास और ये 4 है तो अपने पास ये 32 आ गया, तो बता देंगे कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है भाई तो अपने पास एक ऑक्सीजन में कितने 8 इलेक्ट्रॉन जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, और 4 ऑक्सीजन में अपने बता दिया भाई 4 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा, ठीक है तो अपन कहेंगे ठीक है इसमें अपन क्या करते हैं, तो अपने पास आया 40 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लो भाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो आप जो मर्जी चाहे पूछ लो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि मोल्स के थ्रू ही कैलकुलेट करना होता है और मोल्स आपने बता दिया भाई द नंबर ऑफ वेज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ, अब हम थोड़ा सा मतलब ठीक है इसमें अपन ने वन मोल से कोरिलेट करके देखा, लेट अस कोरिलेट विद जो हमने एक मैप टाइप का बनाया था, ये जो हमने लिखा कि मोल्स में इंटर कन्वर्ट कैसे करें, अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे लिखा, अब इसको हटा देते हैं अपन, ये तो अपन ने एक छोटा सा कंसेप्ट लिखा जिससे अपन नंबर ऑफ मोल्स में ये देख लिया कि भाई मोल्स एटम ये सब कैसे लिखना है, ठीक है वैसे ये इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में भी मैंने बताया था और उसमें थोड़ा सा पार्ट और भी बताया था, अब अपन कहेंगे ठीक है कुछ कुछ क्वेश्चन अपन लिखते हैं,
अगर मेरे पास कुछ छोटा छोटा कंसेप्ट जैसे तुम मुझे गिवन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 11 ग्राम ऑफ CO, क्या गिवन है अपन को एटम कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करेंगे, अगर किसी के नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है तो पहले इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करो, तो अपन कहेंगे फिर अपन कहेंगे कि भाई एक मॉलिक्यूल में अगर तीन एटम हैं तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं अपने पास उसमें कितने एटम, तो मैं कैलकुलेट एटम we have to calculate number of molecules, ठीक है ना, अपन क्या करेंगे number of molecules, तो पहले अपन क्या करेंगे अच्छा number of molecules calculate करना है तो ठीक है क्या given है weight in grams, ठीक तो अपन कहेंगे अच्छा number of moles अपन को पता तो है weight in grams divided by molecular weight होता है और अगर molecules calculate करना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एन होता है, ये लो भाई इक्वेट किया तो है, इसको हटा लेते हैं अपन, उसकी जरूरत थोड़ी है अपन को, तो अपन क्या करेंगे अच्छा अच्छा मुझे वेट इन ग्राम गिवन है, चलो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, तो अपन कहेंगे इसका मास आ जाएगा 12 क्योंकि एक ही है कार्बन और दो ऑक्सीजन होते हैं, कितना दो ऑक्सीजन हो जाएगा 32 ग्राम, तो टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 44 ग्राम्स, तो मैं क्या करूं, सो व्हाट आई गॉट इज दैट इज 11 डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन Na लिखेंगे, अपने पास आंसर आ गया 1/4 Na, ये Na बाय 4 ये 0.25 Na लिख लेते हैं, तो देयरफॉर आई विल राइट दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू कितना है अपने पास 0.25 है, ये मॉलिक्यूल आ गया, सो नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपन कहेंगे भाई पहले ये बताओ कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, तो अपन कहेंगे मॉलिक्यूल्स तो मेरे पास 0.25 Na है ना, तो ठीक है एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, तीन एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लो भाई मेरा आंसर 0.75 Na आ गया, कितने हैं, तो ठीक है, अब मान लो मेरे पास दूसरा क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा भाई मेरे पास ना कैलकुलेट राइट कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया गैस इफ इट ऑक्यूपाइज सपोज करते हैं अपन दैट इज 2.8 लीटर्स ऑफ गैस ऑफ वॉल्यूम एटेस्टिंग ठीक है भाई लिख देते हैं 2.8 लीटर्स दिया आपने, तो मैं कहूंगा आपने मास पूछा है मतलब आपने वेट पूछा है और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आपने भी दिया तो था इक्वेट करके कि अपन क्या करेंगे, तो अपन कहेंगे टू कैलकुलेट मास, सो मास पूछा है टू कैलकुलेट मास ना वी यूज क्या यूज कर लेते हैं अपन That is weight in grams divided by molecular weight of ammonia. क्योंकि ammonia is a molecule इसलिए मैंने molecular weight लिखा और इधर मैं लिखूंगा volume in liters at STP divided by 22.4. लो भाई आ गया. अपन क्या करेंगे इसमें और mass पूछा है ठीक है calculate कर लेता हूँ grams में तो मैं क्या करूंगा वेट इन ग्राम्स अब अमोनिया का ना मॉलिक्यूलर मास चाहिए मुझे तो मैं कहूंगा 17 आएगा क्योंकि नाइट्रोजन होता है 14 और 3 नाइट्रोजन है तो 17 हो गया मॉलिक्यूलर मास सबको कैलकुलेट करना आता है एटम्स के मासेस का सम अप करके मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं
और वॉल्यूम कितना गिवन है 2.8 लीटर्स डिवाइडेड बाय 20.4, ठीक है भाई। तो ये ना 1/8 टाइम्स होता है, 1/8 टाइम्स, तो ठीक है। देयरफॉर आई विल राइट दैट वेट विल बी इक्वल टू दैट इज 1/8 × 17। लो भाई आपके पास मास आ गया, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.1। तो लिख लेते हैं दैट इज इक्वल टू वेट विल बी इक्वल टू 2.1 ग्राम आ गया। समझ में आया, ठीक है एवरीबॉडी का। अब मान लो मेरे पास ऐसा है, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन और मुझे गिवन है भाई ऐसे ना दैट इज 50 ml, इथेनॉल ले लेता हूं C2H5। ये तो लिक्विड है जैसे वाटर होता है ना, तो ये गैस है, क्योंकि अब मैं 50 ml को अब ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकता भाई। ये इक्वेशन सिर्फ गैसेस के लिए है और ये लिक्विड है वाटर जैसे, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 50 ml ऑफ C2H5OH ऑफ डेंसिटी। इसकी मुझे डेंसिटी गिवन है 0.8 ग्राम पर ml, 8 ग्राम पर ml। इसकी डेंसिटी मुझे कितनी 0.8 ग्राम पर ml, तो ये हो गया हमारा, क्योंकि आपने मुझे उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, उसकी डेंसिटी दी हुई है लिक्विड की। मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा, वेट कैलकुलेट कर लूंगा, कौन सा करता है वेट इन ग्राम, ठीक है भाई ये वाला फॉर्मूला फिर लगा दूंगा, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास में कैलकुलेट कर लेता हूँ, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास, मेरे पास उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। वंस आई गॉट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उनको पता है फिर क्या करना होता है नंबर ऑफ एटम्स के लिए, लिखा तो था आपने कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसमें आंसर लिख, आंसर के लिए अपन को क्या करना होगा, तो अपन कहेंगे भाई वेट ऑफ C2H5OH, वेट ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू इट्स डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्या करते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख लेते हैं। अभी डेंसिटी मुझे कितना गिवन है 0.8, वॉल्यूम कितना है 50, तो अपने पास कितना आ गया 40 आ गया उसका ग्राम्स। ग्राम क्यों, क्योंकि आपने डेंसिटी को ग्राम पर ml दिया हुआ है और ये ml में है, तो ml तो कैंसिल हो गया, मुझे डेंसिटी मिल गया, वेट मिल गया ग्राम्स में, इक्वल टू वेट इन ग्राम। अब आपको खुद ही पता है कैसे करना है, नाउ यूज दिस इक्वेशन, तो अपन इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं भाई, इसको हटा देता हूँ और उस इक्वेशन को यूज कर लेते, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे भाई इसके बाद विल रीड दैट वेट इन ग्राम्स डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय, यानी लिख लेता हूं या एवोगाड्रो नंबर लिखो क्या फर्क पड़ता है, तो वेट मेरे पास 40 के बनेगा डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H5OH, कितना होगा दो कार्बन है 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 ये आता है, ये 5 हाइड्रोजन है फिर 16 मैंने ऑक्सीजन ले लिया फिर मैं एक और हाइड्रोजन ले लिया, वी गॉट दिस। चलो भाई देख लेता हूं 10 प्लस 5 45 हो, ये 5 हो गया कैरी वन हो गया है ना 15 है तो ये हो गया 45 आ रहा है, ये लो भाई पक्का ना, तो 2 कार्बन 24 प्लस 6 प्लस 16 तो 46 आ रहा है, ये लो भाई आ गया। अब अपने पास ये आ गया तो अपन क्या करेंगे, ये 46 ग्राम है तो चलो लिख देते हैं, ये लो भाई ये 46 ग्राम है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है डिवाइड बाय, तो मल्टीप्लाई करते हैं विल गेट दैट, तो अपन लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लेता हूं पहले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH कितना आ गया मेरे पास
तो 40/46 मल्टीप्लाई बाय एन ए आ गया, राइट। तो फिर अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स इन C2H5OH, चलो भाई नंबर ऑफ एटम की बात कर लेते हैं। तो कितने एटम होंगे, तो अपन कहेंगे भाई मॉलिक्यूल्स कितने हैं, पहले तो ये बताओ। तो अपन कहेंगे ये तो है हमारे पास मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल में भाई 2+5 7 8 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो भाई नंबर ऑफ एटम्स आ गए। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप उस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से सभी को पता चाहिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, अब आप लिखो क्वेश्चन और आप सॉल्व करके लिखाओ, कैलकुलेट कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 2.9 ग्राम ऑफ ठीक है 2.9 ग्राम ऑफ एलपीजी गैस, 2.9 ग्राम ऑफ एलपीजी गैस। एलपीजी गैस क्या होता है, ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस मतलब ब्यूटेन होता है, और ब्यूटेन क्या होता है, C4H10 उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो ब्यूटेन जो होता है वो C4H10 होता है। तो मैंने आपको एलपीजी गैस लिखा, तो अपन को आना चाहिए एलपीजी गैस ब्यूटेन होता है, और ब्यूटेन का फॉर्मूला, ब्यूटेन इज हाइड्रोकार्बन, वो C4H10 होता है। तो मैंने उसको जानबूझ के ये दिया, मैं डायरेक्टली ये दे सकता था, मैं चाहता था आपको ये भी पता रहे कि एलपीजी गैस होता क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो घर में अपन यूज करते हैं ना खाना पकाने के लिए, दैट इज। तो बताओ भाई, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 2.9 ग्राम ऑफ एलपीजी गैस, आ गया। ठीक है, अब अपन को कुछ कुछ आंसर्स दिए हैं। तो 0.7 Na, 2 Na, भाई ये तो मतलब गलत है ना, मतलब वैसे 0.7 Na मोस्टली आंसर्स आ रहे हैं। देखो भाई मैं चेक करूं, आपने मुझे यही यूज कर लेना है, क्योंकि आपने वेट दिया हुआ है, वेट इन ग्राम, और आपने पूछा है क्या नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, ठीक है भाई कैलकुलेट कर लूंगा। तो मुझे वेट इन ग्राम आपने 2.9 ग्राम्स के दिया हुआ है,
डिवाइड में मॉलिक्यूलर मास उसका 58 है ना, कार्बन फोर्थ है और हाइड्रोजन 10, तो 4 कार्बन मतलब 48 और ये 10, तो 58 उसका मॉलिक्यूलर मास हो। इक्वल टू आया मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एन ए। अब अपन को पता है ये 29/58 इज 1/2 ना, तो मेरे पास ये आएगा 1/20 इंटू एन ए इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, ये अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स क्या लिखते हैं अपन भाई, जितना मॉलिक्यूल्स है आपके पास डिवाइड बाय कितना हो गया 20, मल्टीप्लाई कर दो 14 कर दो, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में ये तो मॉलिक्यूल्स थे तो ये अपने पास एटम्स हो गए, 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आया अपने पास, ठीक है भाई तो तुम बता देंगे इसको 7/10 कर लेते हैं तो 0.7 एन ए आ गया, बिल्कुल सही 0.7 एन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना, किसी का डाउट है, समझ में आया ना सबको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अपने एक काम करते हैं फिर ऐसे लिखते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय SO3 गैस, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय SO3 गैस एट STP, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय SO3 गैस एट STP इफ 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 10^22 10^22 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द वेसल, आर प्रेजेंट इन वेसल, इफ दिस मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द वेसल, दिस मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द वेसल, are present in the vessel. हो गया, तो अपन को अब क्या बताना था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एन ए तो मोल्स हो जाएगा,
वॉल्यूम टेस्टिंग भी पूछा है आपने, तो डिवाइड बाई 22.4 कर लेता हूँ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने दिया है 10^22 और एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 × 10^23। तो फिर क्या लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइडेड बाई 22.4। अब ये कैलकुलेशन अपन कर देते हैं, ये तो 10 बचा हुआ है। अब आपको अच्छे से पता है कि 1/6.023 है ना, इसको फिर ऊपर लेके जाते हैं और लिखते हैं 1/6.023। तो ये तो 10^-1 हो जाएगा, मतलब 10^-1 हो गया ना, 10 को ऊपर लेके गए और 6.023 ये ऐसे कर इंटू 1/6.023। तो दैट विल बी इक्वल टू वी इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4। पहले मैं 1/Avogadro नंबर को थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आंसर कुछ गड़बड़ आ रहा है क्योंकि 10^22 तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वॉल्यूम अपना चेंज होगा। चलो हाँ, मतलब 0.37 किसी ने बताया अपन को लीटर्स, वो हो सकता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन बिल्कुल एक मिनट मतलब देख लेते हैं अपन, फिर उसकी बात करते हैं। ये जो नंबर है ना, ये 1/10, ये मैंने आपको बता रखा है कैसे, 0.166 आपको याद होगा, मैंने आपको बता रखा है कि 1/Avogadro नंबर 6.023 × 10^23 इज इक्वल टू होता है 1.67 × 66 × 10^-24। ये मैंने आपको बता रखा है, दिस इज इक्वल टू 1 AMU, याद है ना। तो ये मैंने आपको बता रखा है, तो अपन कहेंगे अच्छा इसको 23 कर दूं, तो अपन कहेंगे इसको ऐसे कर लो, ये तो ये 1/Avogadro नंबर मतलब 10^-23 ऊपर लेके गए अपन, और ये 1/10 नंबर इज 0.166, ये अपन को पता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता रखा है, इसलिए मैंने उस नंबर को यूज किया और आराम से अपन उसे बता भी सकते हैं। × 10^-1 × 22.4 liters ये आपको वॉल्यूम, तो ये हो गया अपने पास 22.4, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास आएगा 0.166 × 2.24 ना, इतना लीटर्स आया अपने पास, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये तो बहुत छोटा वैल्यू आ रहा है, ये 0.37 के आसपास ठीक है आंसर, या 0.373 ml लाइक दैट। तो ये 0.373 liters ऑफ वॉल्यूम आ रहा है, या फिर अपन उसे लिख सकते हैं 373 ml ऑफ वॉल्यूम, दैट इज करेक्ट, ये आ रहा है। किसी को डाउट है तो बताओ, ये रिटर्न भाई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना, कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे तो गड़बड़ होगा फिर। मैं कैलकुलेशन, मेरे ख्याल से मैंने बेसिक वाले पार्ट में बताया ना आपको, कैलकुलेशन सम करना, ऐड करना, डिवाइड करना, लाइक दैट, वो अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इस वाले पार्ट से ना, जो ये सारा बेसिक्स पार्ट ही है, मतलब इट इज इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, जो अपन ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को ही पढ़ रहे हैं। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, दैट इज कि भाई एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप मुझे आंसर दो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अब इनको ऐसे गिवन है और अब इनसे पूछा बताओ किसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स है, तो मेरे पास गिवन है दैट इज 3.42 ग्राम ऑफ C12H22O11। बी मुझे गिवन है
108 ग्राम ऑफ सिल्वर सी मुझे गिवन है, दैट इज 18 ml ऑफ H2O और उसका डेंसिटी अपन को गिवन होता है 1 ग्राम पर, ठीक है, ये उसका डेंसिटी है। और D मुझे गिवन है, दैट इज 11.2 लीटर्स ऑफ CO2। तो ये ऑप्शन है और इसमें मुझसे पूछा है कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो बता, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास, तो आप बता दो मुझे भाई सॉल्व करके कि किस सैंपल में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। मेरे पास एक आंसर तो आ गया, अब तक एक ही आंसर आया, C
सिल्वर का एटॉमिक मास इज 108 है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 80, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. ऑप्शन सी आ रहा है भाई, ऑप्शन सी आ रहा है सबका. थ्री ऑप्शन इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स. चलो भाई अपने पास अब तीन आंसर आ गए तो चलो कुछ सॉल्व कर लेते हैं. मैं ना हर एक को सॉल्व करता हूँ, मैं ये वर्ग के पास वाले पार्ट बता देता हूँ. ठीक है, ऑप्शन ए को सॉल्व करता हूँ. ऑप्शन ए में मैं लिखूंगा, सॉल्यूशंस लिख रहे हैं अपन, है ना, सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं. तो ऑप्शन ए में विल राइट दैट वेट इन ग्राम इज 3.42 डिवाइडेड बाय 342 उसका मॉलिक्यूलर मास, तो मोल्स होंगे. मल्टीप्लाई बाय एनए विल बी इट्स मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, है ना, अपन को पता है ना नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या फिर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं मॉलिक्यूल अपॉन एन ए, या फिर अपन लिख सकते हैं वॉल्यूम लीटर डिवाइड बाय 22.4. ये सारे पार्ट बन गए. तो मैंने क्या किया, मुझे वेट गिवन है, मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर एटम्स कैलकुलेट करना है. तो ये मॉलिक्यूल आ गए, मल्टीप्लाई बाय एटम्स कितने हैं इसमें, तो टोटल एटम हो गए अपने पास 22, 33 और कितना है तुमके पास 12, 45 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 45. चलो सॉल्व करके लिख देते हैं, ये अपने पास आएगा 0.01 इंटू 45 इंटू एन ए, तो अपने पास 0.45 एन ए आ गया, मतलब फर्स्ट वाले का आंसर आएगा 0.45 एन ए. ठीक है भाई, दूसरे वाला चेक कर लेते हैं. दूसरा वाला तो इसका एटॉमिक मास 108 होता है ना, और आपने 108 दिया हुआ है तो 108 से डिवाइड करूंगा, तो ये इसके मोल्स हो गए, तो इसका तो 1 मोल आया, तो मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 1 into Na, तो एटम कितने हो गए इतने ही, तो Na एटम्स, ये एटम्स हो गए भाई, इसके तो Na एटम्स आ रहे हैं, मतलब A ऑप्शन से B ऑप्शन में ज्यादा आ रहे हैं ना, 1 मोल आ रहा था तो Na से मल्टीप्लाई किया तो एटम्स आ रहे हैं. C की बात, अब सी में तो आपने एमएल दे रखा है और डेंसिटी दे रखा है, तो अपने लिखा भाई डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी आपने 1 दे रखा है और वेट मुझे कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम आपने 18 दे रखा है, तो मैं लिख लेता हूं भाई वेट इज इक्वल टू 18 ग्राम आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 18 डिवाइडेड बाई 18 वाटर का मॉलिक्यूलर मास है, 1 मोल आ गया, तो मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, तो अपन कहेंगे भाई 1 into Na मॉलिक्यूल्स हो गए, तो एटम कितने हो गए, तो एटम अपन कहेंगे भाई जितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास उनको किससे मल्टीप्लाई कर दो, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो योर आंसर इज 3 Na. अब तक इन तीनों में तो इसका ही सबसे ज्यादा आया, ठीक है भाई 3 Na आ गया अपने पास. अब डी की बात करते हैं अपन, डी में वॉल्यूम गिवन है लीटर्स में, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं,
मोल्स कैसे आएगा, वॉल्यूम इन लीटर्स 11.2 लीटर डिवाइड बाय 22.4 दैट इज हाफ मोल। तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो अपन कहेंगे भाई मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू 1/2 इनटू एनए कर लो। तो फिर एटम कितने होंगे, तो अपन कहेंगे एटम्स विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूल्स कितने हैं ये, तो एटम के लिए मल्टीप्लाई करो, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम 3 है, तो ये आ जाएगा अपने पास 3/2 का मतलब 1.5 एनए। अच्छा तो डी वाले में आया एटम्स 1.5 एनए और इसमें आया एटम 3 एनए, इसमें 1 एनए और इसमें 0.5 एनए 0.45 एनए, तो अपना आंसर आया सी, बिल्कुल करेक्ट, पता चल गया आपको सी। I don't think anybody will have doubt. अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है कि भाई कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। अब कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि भाई कोई क्वेश्चन में गिवन हो जिसमें अपन कहेंगे कि भाई हमारे पास इसके 3.45 ग्राम है और उसमें से मैंने कुछ एटम्स निकाल दिए, तो बचाओ कितने एटम्स बचे हुए, तो ठीक है अपन कहेंगे भाई 0.4 एनए एटम है, अगर कितने एटम ने आपने उसके हटाए आप मुझे दे दो, 3.4542 ग्राम से कितने एटम्स निकाल दिए आपने, तो कितने एटम बचे हुए, तो मैं कहूंगा पहले इसमें एटम कितने थे वो कैलकुलेट कर लूंगा, बाद में आपने जो रिमूव किया उससे माइनस कर दूंगा, जो बचे हुए एटम है आप उसका जो चाहो पूछ लो मुझसे, राइट ना। तो उस टाइप के क्वेश्चन थोड़े ट्विस्ट करेंगे वो, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस कर सकते हैं, ये सारा अभी मोल कॉन्सेप्ट शुरू नहीं हुआ है, ये प्रिपरेशन है मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट तो मैं शुरू करूंगा, अब अपन क्या करते हैं कुछ रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट अब जो पढ़ेंगे उसमें केमिकल रिएक्शन होंगे, तो अगर पहले से मुझे कुछ केमिकल रिएक्शंस पता हो तो ज्यादा अच्छा होगा, तो अपन केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो जो केमिकल रिएक्शन मेनली हमें पढ़ने होते हैं वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो पढ़ लेते हैं, है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात करते, अगर रिएक्शंस की बात करते हैं तो डिकम्पोजिशन, ठीक है अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर कुछ कुछ ऐसे थोड़े अपन रेडॉक्स रिएक्शन भी लिख लेंगे, न्यूट्रलाइजेशन भी लिख लेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी लिख लेंगे, तो लाइक दैट विल हैव सम आइडिया अबाउट द केमिकल रिएक्शन और उनका बैलेंस। अगर थोड़ा आइडिया पहले से अपन को होगा तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, फिर और भी कंसेप्ट होंगे जो पहले अपन मैं आपको बताऊंगा, बट मैक्सिमम मैं आपको प्रिपेयर कर लेता हूं कि आप सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, रिएक्शन वगैरह पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो पहले अपन देखते हैं भाई डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कार्बोनेट्स की, ठीक है कार्बोनेट्स, तो कार्बोनेट जो होते हैं वो अपन ऐसे लिखते हैं ये कार्बोनेट्स होते हैं, तो होता क्या है ना ऑल मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स जब अपन उनको हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज करेंगे ना, ऑन डिकम्पोजिशन दे विल गिव मेटल ऑक्साइड्स प्लस CO2, ये मेटल कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन। तो जैसे मैं लिखूंगा ना, जैसे एग्जांपल लिखते हैं, मैंने आपसे कहा भाई लिथियम कार्बोनेट बताओ डिकम्पोजिशन से क्या होगा, तो फिर कहेंगे लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना दो। अगर मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो उसको भी डिकम्पोज करो, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाए। अगर मान लो मेरे पास जिंक कार्बोनेट है तो फिर कहेंगे जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 बनाए। तो अगर मेरे पास एल्युमिनियम कार्बोनेट है तो एल्युमिनियम कार्बोनेट लिख लो, तो ये भी एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाएगा, हमें क्या फर्क पड़ेगा।
मेटल कार्बोनेट है तो डिकम्पोज करके उसमें अपन क्या करेंगे, मेटल का ऑक्साइड बना देंगे और CO2 गैस हटा देंगे. That is how we get the carbonates of sodium, potassium, rubidium and cesium. अब ये तो सारे के सारे अल्कली मेटल लिख दिया आपने, इसको और लिख देते डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग. इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है. अल्कली मेटल में इट इज ओनली लिथियम कार्बोनेट जो कि डिकम्पोज करने पे हीट करने पे डिकम्पोज होगा, बाकी कोई भी डिकम्पोज नहीं. They are highly stable. उसको अपन कहेंगे थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल कार्बोनेट इज मैक्सिमम. अपन ऐसे भी बोल सकते हैं किसी भी ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम कार्बोनेट्स का स्टेबिलिटी बढ़ता है. लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो गया ना, वो ऊपर प्रेजेंट था ग्रुप में, तो टॉप टू बॉटम कार्बोनेट का स्टेबिलिटी बढ़ता है. ये जनरलाइज स्टेटमेंट अपन बता सकते हैं. मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि सीजियम कार्बोनेट इज मोर स्टेबल देन रुबिडियम, रुबिडियम इज मोर स्टेबल देन पोटेशियम, पोटेशियम इज मोर स्टेबल देन सोडियम, सोडियम इज मोर स्टेबल देन लिथियम. बोल सकते हैं क्योंकि सिर्फ लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, बाकी डिकम्पोज नहीं होते. मतलब दे आर थर्मली स्टेबल. तो ये पार्ट आपको गड़बड़ नहीं करना. सिक्स पॉइंट आई विल राइट दैट बाइकार्बोनेट. सबको पता है बाइकार्बोनेट क्या होता है, ऐसे लिखते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट ऐसे लिखते हैं. सो ऑल मेटल बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट डिकम्पोज टू गिव मेटल कार्बोनेट, डिकम्पोज टू गिव मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑफ राइट ना कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 ये देते हैं. अगर डिकम्पोज करेंगे तो जितना भी बाइकार्बोनेट्स होगा वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट होगा. अब भाई अगर कोई डिकम्पोज नहीं होता है तो अपन उसको एक्सेप्शन में लिख लेंगे, वरना अगर डिकम्पोज होता है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं. इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, जैसे इसमें लिखा हुआ ना, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, सब डिकम्पोज. मतलब अगर अपने पास ऐसे लिखे एग्जाम्पल, मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको डिकम्पोज, तो अपन कहेंगे ठीक है सोडियम कार्बोनेट बनाओ. तो सोडियम कार्बोनेट तो Na2CO3 होगा, वो क्यों, क्योंकि कार्बोनेट पे माइनस टू चार्ज होता है ना कार्बोनेट पे, तो फिर और सोडियम पे प्लस वन होता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना तो अपन को आता है. और अगर मैं कोई पार्ट को ऐसे बोलूं ना तुमसे कि ये तो हमें पता है, ये हमें आता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप बोल देना कि नहीं हमको नहीं पता, आप बता दो, ठीक है ना. क्योंकि कुछ ऐसे बेसिक पार्ट होते हैं जिसमें मुझे लगता है कि ठीक है अगर 9th-10th पढ़ा हुआ है तो बेसिक पार्ट होंगे, आपको पता है कि 9th-10th में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको नहीं पता है और मैं बोल रहा हूं नहीं ये तो आपको हमें पता ही होता है, तो आप बोल सकते हो कि नहीं हमें नहीं पता, आप तो बता दो, ठीक है. तो अपन इसमें लिखेंगे भाई इसको H2O लिखते हैं और प्लस CO2, क्योंकि आपने ये तो बताया कि ये तो कंप्लीट बनेगा ही बनेगा, तो बने इसको बैलेंस कर लो, ये लो बैलेंस. तो ठीक है भाई बैलेंस करके अपन ने लिख दिया इसको. अब ऐसे लिखा मैंने, मान लो मेरे पास कोई दूसरा कार्बोनेट गिवन है, सपोज मेरे पास गिवन है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसको हीट किया तो अपन कहेंगे भाई इसको हीट करोगे तो मैं ये बना दूंगा प्लस CO2 प्लस H2O. ये लो भाई बना दिया मैंने, आपने कहा मेटल का कार्बोनेट बना दो और H2O प्लस CO2 बना दो तो बन जाएगा. लेकिन अपन कहेंगे इसमें मुझे एक प्रॉब्लम आएगा,
आप ये बताओ कि कितना हीट किया आपने। अगर सिर्फ हीटिंग लिखा है तो फिर मैं फंस जाऊंगा। वो कैसे? तो अपन कहेंगे देखो भाई, आपने हीटिंग लिखा तो ये हीट करके कार्बोनेट बनाएगा और कार्बोनेट हीट करके एमजीओ बनाता है, तो मुझे लिखना क्या है ये बता दो आप। तो अपन कहेंगे भाई अगर हीटिंग लिखा हुआ है तो अपन तो कहेंगे भाई पहले ये बन गए, उसके बाद इसको भी डिकम्पोज कर लिया अपन ने, तो यहीं पर डिकम्पोज करके मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, तो ये MgO प्लस CO2 भी। तो अल्टीमेटली मैं प्रोडक्ट क्या लिख रहा हूँ इसके, तो मैं इसको प्रोडक्ट ऐसे बना सकता हूँ भाई, इसके जो प्रोडक्ट है ऑन हीटिंग, तो हीटिंग से जो अपन इसका प्रोडक्ट बनाएंगे ना, वो तो अपन को अल्टीमेटली ऐसे बना देना चाहिए, MgO प्लस ट्वाइस ऑफ CO2 प्लस H2O, तो इस टाइप से प्रोडक्ट बना देना चाहिए फिर अपन को, क्योंकि भाई एक MgO बन जाएगा क्योंकि ये तो डिकम्पोज हो रहा है ना वापिस, तो ये दोनों बने थे, फिर एक MgO बन गया, एक और CO2 बन गया, तो इस टाइप से प्रोडक्ट लिख सकता हूँ कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि जिसका कार्बोनेट भी डिकम्पोज होता है, आपने कहा ना ऑल मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट बनाएगा, H2O बनाएगा, CO2 बनाएगा, तो जिसका मेटल कार्बोनेट भी डिकम्पोज होता है उसका क्या करें, वो डिकम्पोज करके मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 लिखा प्रोडक्ट, तो क्या बताएंगे प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट बताओ। अब इसमें ये डिकम्पोज होता नहीं है क्योंकि ये तो बताया आपने ये डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए इसका रिएक्शन यही रहेगा बस। ठीक है भाई, वी गॉट दैट, कि अगर हमें कोई भी कार्बोनेट गिवन है तो अपन कैसे बताएंगे, तो इससे अपन बता सकते हैं भाई इफ है ना, तो इसमें अपन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेते अपन, मान लो मेरे पास ऐसे बाई कार्बोनेट के बनाए कैल्शियम बाई कार्बोनेट, मैं इसमें एक पार्ट ऐसे लिख लेता हूं, ऑल बाई कार्बोनेट्स, नाउ दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस, इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन, ये आपको पता होना चाहिए, ऑल बाई कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मैटर, मेरे ख्याल से सबको पता है व्हाट इज अल्कलाइन अर्थ मैटर, आर लिक्विड्स, क्या होता है वो लिक्विड्स में होता है, मतलब यहां पर ये सॉलिड स्टेट में नहीं होता, इसमें होता है लिक्विड में होता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हमको पता है कि जो सी वाटर में टेम्पररी हार्डनेस होता है वो बाइकार्बोनेट की वजह से होता है, और सी वाटर में जो कैटाइन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर मोस्ट आर मेनली प्रेजेंट इन सी वाटर, इन सी वाटर एज टेम्पररी हार्डनेस, क्या क्या होते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये दो कंपाउंड होते हैं जिनकी वजह से सी वाटर में वो हार्डनेस होता है, जो सी वाटर होता है जिसमें हार्डनेस होता है वो उन दोनों कंपाउंड की वजह से होता है, दैट इज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, इसलिए जब अपन सी वाटर को ऐसे लेके देखो ना तो उसमें अपन को कोई पार्टिकल थोड़ी देखते हैं, व्हाट इज सो, क्योंकि दोनों ही बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, लिक्विड होता है, तो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, दैट इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन, बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अपन दूसरा डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, नाइट्रेट की बात, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट में रेट दैट नाइट्रेट NO3 नेगेटिव लिखेंगे अपन, ऑल मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज टू गिव, ऑल मेटल नाइट्रेट ये ना डिकम्पोज होंगे टू गिव मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ये देंगे भाई जितने भी मेटल नाइट्रेट्स होंगे, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई हमारे पास ये गिवन है, आप बताओ एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन, तो भाई एग्जाम्पल में लिथियम नाइट्रेट है मेरे पास, कहेंगे ठीक है लिखो आप, तो लिथियम ऑक्साइड हो गया प्लस NO2 हो गया प्लस O2 हो गया, ये लो भाई आंसर आ गया, ये लो। तो अगर मेरे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट है तो
मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम पर प्लस टू चार्ज होता है और नाइट्रेट पे माइनस वन, तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई ये लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया प्लस ट्वाइस ऑफ एनओ टू हो गया प्लस हाफ ओ टू हो गया, ये लो ये भी हो गया। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है वी गॉट लाइक दिस, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे लिखो। अगर मेरे पास थर्ड लेड नाइट्रेट के बने PbNO3 होल ट्वाइस, कहेंगे होल ट्वाइस ये लिखा तो है, मैग्नीशियम की जगह Pb लिख रहे हैं बस, तो Pb O plus twice of NO2 plus half O2, बैलेंस है, मतलब बैलेंस रिएक्शन लिख दे रहा हूं डायरेक्टली। तो कोई भी नाइट्रेट ऐसे ही डिकम्पोज होगा, बिल्कुल ऐसे ही डिकम्पोज होगा। भाई अगर मेरे पास जिंक नाइट्रेट है तो जिंक नाइट्रेट को डिकम्पोज कर लो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। और अगर आप कहोगे तो अपन तो ये भी बता देंगे कि भाई जब नाइट्रेट डिकम्पोज होते हैं तो ये ब्राउन गैस आता है, इज अ ब्राउन कलर गैस। CO2 तो कलरलेस गैस होता है इसलिए मैंने इसमें कुछ ऐसे कहा नहीं, लेकिन वहां तो ब्राउन गैस बोल सकता हूँ ना, क्योंकि NO2 इज अ ब्राउन गैस, तो NO2 के केस में वो ब्राउन गैस होता, NO2 लिबरेट होगा तो ब्राउन गैस होगा। अब अपन कहेंगे इसमें लेकिन अपन को ऐसे लिखना पड़ेगा, बट डिकम्पोजिशन फिर वही बात है, एन ए पोटेशियम रुबिडियम एंड सी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसको पर ऐसे एन ए एनओ थ्री जो होता है ना ये डिकम्पोज होके एन ए एनओ टू बनाता है प्लस हाफ, मतलब जो ये होता है डिकम्पोजिशन ऑफ दिस take place as, ये ना ऐसे डिकम्पोज होता है, मतलब पहले जो नाइट्रेट होता है ना वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, इसमें कन्वर्ट होगा नाइट्राइट में, मतलब एन पोटेशियम नाइट्रेट है तो पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा, सोडियम नाइट्रेट है तो सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, सीजियम है तो सीजियम नाइट्रेट बना लेगा, मतलब पहले वो नाइट्राइट बनाएगा नाइट्रेट से, इतना ही डिकम्पोजिशन। अब इसमें कुछ इफ एंड बट होंगे तो मैं अभी तो मतलब जितना मुझे मोल कॉन्सेप्ट में चाहिए मैं उतना ही बताऊंगा, क्योंकि ये सारा पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएगा है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मोल कॉन्सेप्ट मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसलिए मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा वो रिएक्शन को बस ऐसे नहीं सोचना कि अच्छा ठीक है सर मोल कॉन्सेप्ट के बदले बता रहे हैं, ये मैंने आपको बताया कि मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं किसके लिए, मोल कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया। तो वहां मैंने ये नहीं कहूंगा अच्छा कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं, हाँ तुम कहोगे हमें पता है कार्बोनेट कैसे डिकम्पोज होते हैं, आप कुछ और पढ़ाओ। तो नाइट्रेट, हाँ अगर कुछ मुझे और लगेगा कि हाँ नहीं नहीं वहां पर मैंने तुम्हें ये पार्ट नहीं बताया था तो मैं बताऊंगा, तो विल गेट दिस नाइट्रेट। अब इसमें ना जैसे अपन को होता है भाई, जैसे नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन है अपन ने पढ़ा, सल्फेट का डिकम्पोजिशन, सल्फेट के लिए कहेंगे तो अपन भाई लिखेंगे SO4 2 नाइट्रेट ऐसे, तो अगर मेटल सल्फेट है, मेटल सल्फेट को अगर डिकम्पोज करेंगे अपन तो मेटल सल्फेट, इसको डिकम्पोज करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस SO2 बनेगा, तो बना देंगे भाई ठीक है, अपन देख लेते हैं कि भाई कैसे अपन को मेटल ऑक्साइड बनाना है। सो मेटल ऑक्साइड बनेगा, SO2 बनेगा प्लस हाफ O2 बना, ठीक है भाई। तो अपन कहेंगे जैसे मेरे पास ऐसे क्यों बने, सपोज मैग्नीशियम सल्फेट डिकम्पोज करो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाऊंगा प्लस SO2 बनाऊंगा और प्लस हाफ O2 बनाऊंगा, ये सल्फेट, ठीक है। तो लाइक दैट वी कैन राइट सल्फेट का डिकम्पोजिशन, देन वी कैन हैव अदर टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, बाकी रिएक्शन होते हैं वो भी कर सकते, ठीक है। बट आज अपन यही रुक जाते हैं और नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर को पूरा कंप्लीट करो, ठीक है, बिकॉज संडे देयर विल बी योर टेस्ट।
मोस्ट प्रोबेबली संडे को आपका टेस्ट होगा, तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करो, आज इसे नहीं कर जाते, ठीक है? चलो भाई, ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके, वेलकम.